और सीधा हम रुक कर लेंगे नीरज का, जो कि इस वक्त वॉर जोन से हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो नीरज, हमें वो एक्सपीरियंस बताइए जबकि आप वॉर जोन में मौजूद थे और उस वक्त इसराइल पर अटैक हो रहे थे। देखिए, अटैक तो लगातार हो रहा है। इस वक्त हम लोग तेल अवीव में भी लोग सहमे हुए हैं एश्केलोन में, और दक्षिण के इसराइल में स्थिति खराब है। और यहाँ से नॉर्थ की तरफ आप जाएंगे तो वहाँ भी अब इसराइल ने हमला कर दिया है हिजबुल्ला के आतंकवादियों पे, तो वहाँ अभी थोड़ी बहुत गोलीबारी, मिसाइल से अटैक इस तरह से की जा रही है। लेकिन जो दक्षिण का इलाका है, तेल अवीव में है, यहाँ पूरे हालात जो हैं बहुत खराब हैं। सड़कों पे बहुत कम लोग आपको नज़र आएंगे, कुछ गाड़ियां आपको निकलेंगी, लेकिन जो तेल अवीव जिस लिए जाना जाता है वो आपको नहीं दिखेगा। तेल अवीव मुंबई की तरह दिखता है, उससे भी बहुत ज़्यादा हैपनिंग वाला शहर है, लेकिन बिल्कुल है। हम जिस इलाके में अभी अंदर के इलाके में मुख्य मार्ग पर नहीं गए आए हैं, क्योंकि आप इसको आप देख सकते हैं, यहाँ जो अंदर की तस्वीरें हैं, यहाँ हर कुछ बंद पड़ा है। इधर आप देखिए, ये लिंक रोड है, लिंक रोड के बाहर कोई भी आपको सड़क पे बहुत कम लोग दिखेंगे, इक्का दुक्का लोग कभी कभी दिख रहे हैं। पूरा ऐसा लगता है कि लॉकडाउन किया गया है, घोस्ट सिटी है, वीरान है, पूरी तरह से शांत है। बस गाड़ियां जो कि आवश्यक नेसेसरी जिनको है, पूरे शहर में, पूरे इसराइल में अलर्ट है। ये हाई प्रोफाइल एरिया है, रिहायशी भी है और कमर्शियल भी है, लेकिन देख सकते हैं लोग अपने घरों के अंदर हैं। हर जगह कुछ ये दुकान है, ये मार्केट है, ऊपर में कुछ एरिया रिहायशी है, लोग अंदर को हैं। देख रहे, वो खिड़कियों की तरफ भी बहुत कम आते हैं। महज एक फीमेल आपको यहाँ हमें दिखेंगी, स्थिति क्या है उसका अंदाज़ा लगा, एक महिला आपको दिख रही होंगी। इस तरह की स्थिति यहाँ तेल अवीव की बात करें, एश्केलोन की बात करें, किसी भी इजरायली शहर में कम दिखेगा। सभी लोग को कहा गया कि वो घरों के अंदर रहे, महज कुछ जरूरी काम के लिए वो बाहर निकले थे, कि हर तरफ सन्नाटा है, हर तरफ। इधर आपको हमारे कैमरा पर्सन दिखा रहे हैं, तेल अवीव में रह रह कर आसमान में, एक बार फिर देखिए, ये अभी खुला आसमान है। बीच में कभी कभी आपको इसराइल आर्मी के हेलीकॉप्टर वो गुजरते हुए नजर आ जाएंगे, लेकिन स्थिति जो है वो बहुत ही खराब है। बिल्कुल नीरज, और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि बहुत जाबाज रिपोर्टिंग आपके तरफ से की जा रही है, लेकिन ऐसे मौके पर आप भी अपना बहुत ध्यान रखें। हम लौटेंगे नीरज आपके पास, लेकिन देखिए एक एक तस्वीर सबसे पहले न्यूज 18 इंडिया आपको दिखा रहा है कि आखिर किस तरीके के हालात जो हैं वो वहां पर बने हुए हैं। अब इसराइल की तरफ से दो वीडियो जारी किए गए हैं, लेकिन इन सब के बीच में आप समझिए हालात जो हैं वो बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। अब समझिए चौथा दिन है, 7 सितंबर को हमास के आतंकियों ने इसराइल में घुसपैठ की थी और तेल अवीव तक रॉकेट से हमले किए थे, और ये हमले अभी भी लगातार जारी है। गाजा में इसराइल का जवाबी हमला भी जारी है, और पिछली रात को ही 130 से ज्यादा ठिकानों पर इसराइल की वायुसेना ने हमले किए हैं। तो वही इसराइल के भीतर भी गाजा पट्टी के आसपास अभी भी आतंकियों से लड़ाई लगातार जारी है। हालांकि खबर तो ये भी है कि दक्षिणी इसराइल के शहरों को खाली करा लिया गया है। 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए आतंकियों की तलाश लगातार जारी है। दूसरी तरफ अगर उत्तरी इसराइल में बात करें तो लेबनान की सीमा पर हिजबुल्ला के आतंकियों से युद्ध जारी है, और अब वहां इसराइल अपने टैंक और सैनिकों को तैनात कर रहा है। इसके अलावा वेस्ट बैंक की बात करें और यरूशलम की बात करें, वहां के आसपास फिलिस्तीन समर्थकों के साथ इसराइल की पुलिस की रह रहकर लगातार भिड़ंत हो रही है। यानी कि आप समझिए कि चारों मोर्चों पर इसराइल की जंग चल रही है, और इन सब के बीच में नेतन्याहू ने दुनिया से इस बात की अपील की है कि हमास आईएस की तरह काम करता है और हर एक मुल्क को इसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। हमास की हैवानियत से हाहाकार, इसराइल के लोगों ने खाई कसम। मिट जाएगा गाजा का नामोनिशान, बदल जाएगा दुनिया का नक्शा। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, हमास के साथ शुरू हुआ इसराइल का युद्ध और भी खतरनाक और भी भयानक होता जा रहा है। इसराइल ने गाजा पट्टी के जर्रे जर्रे को दहलाना शुरू कर दिया है, और इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया है
कि इस युद्ध को शुरू हमास ने किया था, लेकिन खत्म इजराइल करेगा। Israel is at war. We didn't want this war. It was forced upon us in the most brutal and savage way. But though Israel didn't start this war, Israel will finish it. Once the Jewish people were stateless, once the Jewish people were defenseless. हमास के आतंकियों ने जब गाजा पट्टी और भूमध्य सागर से इजराइल में धावा बोला था, तो उस वक्त दक्षिणी इजराइल में गाजा पट्टी के पास ही एक म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा था और सबसे पहला हमला वहीं पर हुआ था, जिसमें दुनिया भर से विदेशी शामिल होने पहुंचे थे। हमास के आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग करके उनमें कई की जान ले ली और कई को अगवा कर लिया। ऐसे में इजराइल के प्रधानमंत्री जब इस जंग के बारे में बात करते हैं तो कहते हैं कि ये जंग सिर्फ इजराइल की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की जंग है। In fighting Hamas, Israel is not only fighting for its own people, it is fighting for every country that stands against barbarism. Israel will win this war, and when Israel wins, the entire civilized world wins. वही हमास ने जिस तरह से इजराइल के जवानों, वहां के नागरिकों और विदेशी नागरिकों के साथ सलूक किया और जैसी हैवानियत की तस्वीरें सामने आई हैं, उसकी याद दिलाते हुए बेन्यामिन नेतन्याहू ने हमास की तुलना आईएसआईएस से की है और पूरी दुनिया से अपील की है कि जैसे आईएसआईएस के खिलाफ दुनिया एकजुट हुई, वैसे ही हमास के खिलाफ भी दुनिया इजराइल का साथ दे। Hamas terrorists bound, burned and executed children. They are savages. Hamas is ISIS. And just as the forces of civilizations united to defeat ISIS, the forces of civilization must support Israel in defeating Hamas. जाहिर है इजराइल की ताकत के आगे हमास कहीं नहीं ठहरता और जल्दी ही घुटने टेक सकता है, लेकिन हमास का साथ देने के लिए खाड़ी के कई देश सामने आ रहे हैं। खास तौर पर ईरान लगातार इजराइल और अमेरिका को धमकियां दे रहा है और लेबनान की ओर से हिजबुल्ला ने एक और मोर्चा खोल रखा है। ऐसे में लगता नहीं है कि ये जंग जल्दी खत्म होने वाली है।